सैन फ्रांसिस्को के एल्कैट्रेज आइसलैंड के जेल में वहाँ के कैदियों को नहाने के लिए गर्म पानी दिया जाता है, इसलिए नहीं कि वो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहते हैं, बल्कि इसलिए ताकि वहाँ के कैदियों को ठंडे पानी की आदत ना पड़ जाए और वो वहाँ के ठंडे पानी से तैर कर भाग ना जाए। सो वेलकम टू अमेजिंग स्टोरीज गाइज। आज हम लोग दुनिया भर के अनोखे रैंडम फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स बिगिन। आपने हमेशा ही सिर्फ लाल रंग के चिकन को देखा होगा, लेकिन दुनिया में सिर्फ इंडोनेशिया ही ऐसा एक देश है जहाँ पर चिकन यानी मुर्गे का रंग कंप्लीट ब्लैक होता है। ब्लैक चोच, ब्लैक पंख, ब्लैक हाथ, ब्लैक पैर, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये वाला नहीं, जहाँ तक कि अंदर के ऑर्गेन्स भी ब्लैक होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूट्रंस वाला फल कौन सा है, तो शायद आप लोग कहेंगे एप्पल, बनाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूट्रंस वाला फल है एवोकैडो, जो कि किसी भी फ्रूट्स के कंपेयर में सबसे ज़्यादा न्यूट्रंस वाला फल है। नॉर्थन मोराको नाम का एक शहर जहाँ पर हर चीज़ का रंग ज़्यादातर नीला है, नीले रंग के रोड, नीले रंग के कपड़े, नीले रंग का घर, यहाँ तक कि वहाँ पर मिलने वाली हर एक चीज़ ज़्यादातर नीले रंग की ही होती है। वैसे तो आपने बहुत सारे स्मार्ट जानवर देखे होंगे, लेकिन जापान में एक पेंगुइन है जिसका नाम लाला है। वो इतनी ज़्यादा स्मार्ट है कि वो बैग लेकर हर दिन फिश मार्केट से सामान खरीदकर वापस घर भी आ जाती है। डेनिस रैडर नाम का एक आदमी जो यूनाइटेड स्टेट्स में लोगों के घर में सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाने का काम किया करता था, लेकिन वो खुद एक बहुत बड़ा खतरनाक चोर और किलर था। अब लोग उसे फ़ोन करके सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगाने के लिए घर बुलाते थे, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता था कि वो उनका घर साफ करके चला जाएगा। कुछ सालों बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बाद उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई। नॉर्थन वेस्ट वेनेजुएला एक ऐसी जगह जहाँ के काटाटुम्बो रिवर के पास एक आंधी आती है, लेकिन ये कोई साधारण आंधी नहीं होती, ये बिजली की आंधी होती है, जहाँ एक ही जगह पर हर घंटे करीब 280 बार बिजली गिरती है, मतलब पूरे साल में करीब 12 लाख बार यहाँ पर बिजली गिरती है। इंटरेस्टिंग। निक हेज नाम का एक ब्रिटिश आदमी जिसे ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम था, जिसे गट फर्मेंटेशन सिंड्रोम भी कहा जाता है, इस बीमारी में वो जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खाता वो अल्कोहल में बदल जाती, यानी अगर वो पिज़्ज़ा बर्गर जैसी चीज़ें खाने लग जाता तो उसे दारू जैसा नशा हो जाता। एक कंपनी है हॉक्सटोन स्ट्रीट मॉन्स्टर सप्लाइज नाम की, ये कंपनी नमक बेचती है। अब आप बोलोगे इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, ये ह्यूमन टीयर्स यानी इंसानी आंसुओं से बने हुए नमक बेचती है, जो शायद कभी खुशी कभी गम के होते हैं और शायद गुस्से वाले भी हो सकते हैं। ये कंपनी हर तरह के आंसू से बनने वाले नमक बेचती है। बुल्गेरिया का एक इंसान जिसका नाम था डोब्री डोब्रेव, जो हर दिन करीब 20 किलोमीटर चलकर भीख मांगा करता था, लेकिन उसने जितनी भी भीख मांगी वो खुद के लिए नहीं बल्कि ऑर्फनेज के लिए। वो अपने सारे भीख मांगे हुए पैसे अनाथालय में दान कर दिया करता था। 2012 की एवेंजर्स मूवी तो आप में से कई सारे लोगों ने देखी होगी। इस मूवी के आखिरी आफ्टर क्रेडिट सीन में सारे एवेंजर्स बैठकर शोरमा खा रहे होते हैं। इस सीन की वजह से शोरमा कंपनी की सेल नेशन वाइड 1000 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक स्टडी से ये पता चला है कि एलिफेंट इंसानों से भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर उनके किसी फैमिली मेम्बर की मौत हो जाती है तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाते हैं, यहाँ तक कि कई सालों बाद भी उनको याद करके रोने लग जाते हैं, जहाँ इंसान शायद कुछ सालों में ही दूसरे इंसान को भूल जाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।